हाय फ्रेंड्स, मैं चांदनी अपने यूट्यूब चैनल झारखंड की चांदनी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और मैं खाना बना चुकी हूँ और तीनों बच्चों की आज छुट्टी है, क्योंकि दोनों बड़े बच्चों का सेकेंड सैटरडे है और लल्ला बाबू का सैटरडे को वैसे भी छुट्टी रहती है। तो नाश्ता वगैरह हो गया, सब काम हो गया और अब मैं खिचड़ी बना ली हूँ और साथ में मैंने बैंगन का भरता भी बनाया है और अब मैं चावल की जो तिलौरी है इसे मैं छानने जा रही हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। तो बच्चों को बोली कि थोड़ी देर टीवी देख लो, क्योंकि बच्चे होमवर्क कर रहे थे नहा धोकर नाश्ता करने के बाद, तो थोड़ी देर टीवी देखेंगे और उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैंने खिचड़ी और चोखा कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने दाल चावल साथ में मिला के बैठा दिया था कुकर में, और इसमें मैंने टमाटर डाला था चार छोटे छोटे, और हरी मिर्च, लहसुन और गरम मसाला का पाउडर था। और यहाँ देखिए, ये बैंगन का भरता है, तो इसमें बैंगन टमाटर है, हरी मिर्च है, लहसुन है और नमक और तेल। तलने जा रही हूँ क्योंकि तेल गर्म हो चुका है, और चावल तलने के बाद बच्चों को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि खाना भी सही टाइम पे खाने से ठीक रहता है। और ऐसे भी मैं हर सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ और खिचड़ी हर सैटरडे को खाना ही चाहिए। तो देखिए, ये तल चुका है और अब मैं इसे निकालती हूँ। बच्चों की छुट्टी थी तो बहुत सारे काम हो गए, घर की साफ़ सफाई भी हो गई और कपड़े भी, मतलब बेडशीट वगैरह बचे हुए थे धोने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पाता था क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद घर का सारा काम करना होता था। तो आज और कल दो दिन छुट्टी है, तो दो दिन मुझे लगता है साफ़ सफाई में ही बीत जाएगी, और साफ़ सफाई भी करना तो ज़रूरी होता है। तो मैं आज बेडशीट धोई, बच्चों का ड्रेस भी धो दी हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम है और नहीं सूखने पर फिर दिक्कत होती है। और उसके बाद अब चली मैं बच्चों को खाना देने, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। खाना निकाल दें, अभी भूख नहीं लगा है। लल्ला, बस बेड को पूरा कैसे कर दिया तू? यही करता है तुमने छुट्टी में? अच्छा, बस वहाँ शुरू हो गया तुम्हारा बदमाश। क्या देख रहा है? KGF? चलो तुमको देखाने के लिए, अभी भूख नहीं लगा है? अब पीयू कहाँ है? बादल किया हुआ है, लग रहा है कि बारिश होगी, और आप बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सत्तू लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसे हम दाल बाटी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ गोल का लिट्टी बोला जाता है। देखा, इसमें मैंने देखिए हरी मिर्च ली है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, और मैंने सत्तू इसमें मिला दिया है, नमक मिला दिया है, और अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। दाना मैंने निकाल दिया है इसका, आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर या खटाई भी डाल सकते हैं। तो मैं नींबू डाल रही हूँ, इससे लिट्टी का टेस्ट बढ़ जाता है। और अब मैं सरसों का, इसमें तेल भी मैं ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें मंगरेला और जवाइन है, इसे ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी, और फिर मैं देखूंगी कि सत्तू अच्छे से, मतलब बंध रहा है कि नहीं। उसके बाद हाँ, मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ, इसे एकदम महीन महीन काटना है ताकि लिट्टी में मैं डालूंगी, जिससे लिट्टी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो बता दो, फोटो भी ले लेना। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हल्का पानी के छींटे मारूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। गूंद कर रख दिया है और इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी ढककर। दूध भी खोल चुका है तो गैस बंद कर देती हूँ। और मैं चली
इसे ढकना नहीं है, लिट्टी ना है, जब सूजी वाला बनाएंगे ना उसको ढकेंगे। और इसमें बहुत जल्दी ही लिट्टी बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आँच ना ज़्यादा रखा है ना कम रखा है, मीडियम आँच रखा है, जिससे लिट्टी अच्छे से धीरे धीरे और पूरी तरह से पक जाए और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में इस पर पकाने से। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, लिट्टी अब लगभग पक ही चुकी है, बस थोड़ा सा और पकना बाकी है। और बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आराम से पक जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए मैं आलू और टमाटर की चोखा बना रही हूँ और मेरा बेटा आज हेल्प कर रहा है, क्योंकि कल संडे है और इन लोग की छुट्टी है, तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बच्चे खाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से पक गई हैं और अब मैं एक एक करके लिट्टी को निकालूंगी। और यह देखिए चटनी भी तैयार हो चुका है, बस इसमें हरी मिर्च, लहसुन, नमक और तेल मिलाना है। बनाने के बाद मैं आपको दिखलाऊंगी। मैं सारी लिट्टी निकालूंगी क्योंकि अब लगभग पक चुकी है। और एक लिट्टी को देखिए मैंने निकाला है और यहाँ पर इसे डाल दे रही हूँ। लिट्टी चोखा घी सब तैयार है और यहाँ बस दो चार बचे हुए हैं, ये भी अब पक जाएगा कुछ सेकंड में। और यहाँ लिट्टी चोखा बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम सब चले लिट्टी चोखा खाने, क्योंकि बन गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।